हाय एवरीवन, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ घर पर आटे से प्लेन पूरी कैसे बनाएं। तो प्लेन पूरी बनाने के लिए आपको लेनी है गेहूं की आटे। तो मैं यहाँ पे गेहूं की आटे ली हूँ और इसमें डालनी है सॉल्ट, नमक आपको स्वाद अनुसार डालनी है। आप चाहे तो इसे थोड़ी ज़्यादा कम अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने अनुसार ऐड कर ली हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाली हूँ, अजवाइन, मंगरैला, सत्तू कुछ भी नहीं, बिल्कुल ये प्लेन है। ओनली मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ। उसके बाद आपको डालनी है पानी, थोड़ी सी पानी इसमें ऐड करनी है। पानी ऐड करने के बाद आपको इसे मिक्स करनी है। इस तरीके से मिक्स करके आपको इसे आटे को गूँथ लेनी है, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेनी है आपको। जब तक आटे की डप तैयार हो रही है तब तक आप हमारे वीडियो को कर लीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी इसमें पानी ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं ऐड करनी है। इस तरीके से आपको आटे की बॉन्डिंग बनाते जानी है। तो आप देख सकते हैं यह मिक्स हो रही है। मैं इसे 5 मिनट तक अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ। देखिए हमारी डफ है वो तैयार हो गई है। तो डफ तैयार होने के बाद आपको इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए कवर करके छोड़ देनी है। तो फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट हो चुकी है, अब हमें इसे हटानी है। और देखिए आप, हटाने के बाद है हमारी जो आटे की डफ है वो सेट हो चुकी है। तो 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाती है। आप चाहे तो इसे 20 मिनट भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सेट होने के लिए रखने देने, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको लेनी है आटे और गोल गोल डो तैयार कर लेनी है। इस तरीके से आपको आटे की डो तैयार कर लेनी है। हमें लेनी है थोड़ी सी तेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी यहाँ पे तेल लगा ली हूँ पहले से। तो तेल आप रिफाइन तेल या आप सरसों की तेल या नारियल तेल या राइस ब्रान जो तेल होती है, जो भी आप खाते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद देखिए इस तरीके से आपको दोनों तरफ कर लेनी है और इसे बेल लेनी है। तो आपकी साइज है वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी आटे की लोई को बेल लेनी है, पूरी बना लेनी है। उसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है और गैस पे रख देनी है और गैस की फ्लेम है वो ऑन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम है वो ऑन कर ली हूँ। इसमें पहले से राइस ब्रान ऑयल है वो मैं पहले से डाल ली थी, आप अपने अनुसार ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कि हमारी तेल है वो गर्म हो चुकी है और गैस की फ्लेम लो कर लेनी है। उसके बाद इसमें पूरी डालनी है। तो इस तरीके से आप पूरी डाल सकते हैं इसमें। और देखिए पूरी है वो फूलने लगी है। तो इस तरीके से पूरी है वो फूल जाएगी, तब आप फूलने लगेगी तब आप गैस की फ्लेम है वो मीडियम कर ले या हाई कर ले। तो आप इसे दोनों तरफ पलट कर पका ले। तो हमारी जो प्लेन पूरी है वो कितनी अच्छे से खिल गई है, यानी कि यह फूल गई है। और देखिए बहुत अच्छे से ये पक भी रही है। तो प्लेन पूरी बनाने के लिए तो मेरी बताई गई रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए इसे पलट करके आपको निकाल लेनी है और दूसरी पूरी भी डाल देनी है। आप चाहे तो एक साथ 3-4 पूरी भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दूसरी पूरी भी डाल दी हूँ और इसे पलट रही हूँ। तब तक हमारी दूसरी पूरी है वो फ्राई हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी दूसरी पूरी है वो भी अच्छे से फूल गई है और ये फ्राई हो रही है। तो आप इसी तरीके से अपने घर पर प्लेन पूरी बना लेंगे और इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आप इसी तरीके से सभी पूरी को बना सकते हैं और बना करके आप इसे गर्मे गर्म आलू मटर की सब्जी या मटर पनीर के साथ या अपनी मनपसंद सब्जी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा घर पर प्लेन पूरी कैसे बनाएं। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।